सलीम वासु, आज रात तक जहां पना पे कड़ी नजर रखना कि वो ना ही बिरबल से मिले ना किसी भी तरीके की मदद ले। अरे वाह मासा, यो गुड्डो था ना याद से गुड़िया रानी। अरे हाँ मासा, ये गुड्डे के साथ तो हम बचपन में खेला करते थे ना। अरे ये क्या मासा, ये हथौड़ा छेनी क्यों है? ये क्या कर रहे हैं? क्या बताऊं गुड़िया रानी, ये हथौड़ा और छेनी के संग महारानी दुर्गावती की प्यारी सहेली पद्मावती और उसके पति की प्रेम कहानी जुड़ी से। पद्मावती और उसके पति की प्रेम कहानी हथौड़े और छेनी के साथ कैसे मासा? कुछ ना पूछ गुड़िया रानी, कुछ ना पूछ। हमारी सहेली पद्मावती के ससुराल और मैके के बीच घड़ों बड़ों पहाड़ से मैके और ससुराल से आते जाते घड़ों समय लागे से थे। एक दिन अपने पति से मजाक से थोड़ी की ते मारे से खड़ो प्रेम करे से तो मारे वास्ते थे अपने हाथों से उस पहाड़ के बीच से एक रास्ता बना दियो। इन मजाक में की गई बात को उसके पति ने दिल से लगा लिया और अपने सच्चे प्यार का सबूत देने के वास्ते भूख प्यास भूलकर 25 साल तक पहाड़न के बीच में रास्ता खोदन लागे उसे, खोदन लागे उसे। फिर तपस्या के कारण बीमार पड़ गयो और उसी पहाड़न पर पद्मावती की गोद में दम तोड़ दियो, दम तोड़ दियो। ओहो मासा, क्या प्रेम था, क्या प्रेम था। लेकिन ये छेनी और हथौड़ा आपके पास कैसे? आप भी रास्ता खोदन वास्ते गए थे ना गुड़िया रानी? पद्मावती पति के दुख में आत्मदाह करने लगी उसे, थे मारे पास आई और हे मारे को सौंप दी और बोली, दुर्गावती हे मारे प्रेम की निशानी से सदा थारे साथ रखियो, तब से हे मारे पास से। वाह 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 मास, क्या अद्भुत प्रेम था आपकी सहेली के पति का। कितना प्यार करते थे आपकी सहेली से। साची बात कहे उसे गुड़िया रानी, ऐसो साचो प्रेम कहा। आज कर तो पति कहवे से हूँ मारा लुगाई से साचो प्रेम करे से, पर साचो प्रेम कोनी करे से। नहीं नहीं हम आशा, हम नहीं मानते। बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन सलीम के अब्बू हमसे सच्चा प्यार करते, सच्चा प्यार। गुड़िया रानी तू घनी बोली से। और मासा आप क्या हंस रही हो? आपको यकीन नहीं है ना मासा कि सलीम के अब्बू हमसे सच्चा प्यार करते? हम आपसे वादा करते हैं, कल रात तक हम आपको सबूत ला कर देंगे कि सलीम के अब्बू हमसे सच्ची मोहब्बत करते। क्या बात है रानी साहब, आप ऐसी भयानक सी खतरनाक सी मुस्कान देकर हमें खौफ ज्यादा क्यों कर रही हैं? हमारी इतनी मोहब्बत भरी मुस्कान आपको भयानक लग रही है जहांपना? नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है रानी साहिबा, जब अचानक धतूरे के ऊपर गुलाब का फूल खिल जाता है ना, तो इंसान के होश फाख्ता हो ही जाते हैं। धतूरा, चलिए छोड़िए। अब जहां पे ना, आपको पता है इतिहास में ऐसे ऐसे सच्चे प्यार करने वाले पति है जो अपनी पत्नियों के लिए पहाड़ काट कर लाते हैं और पत्नी जब मर जाती है तो उनके लिए मकबरे बनाते हैं। आप हमसे सच सच कहिए, आप भी ऐसा ही प्यार करते हैं ना हमें? अरे बेशक रानी साहिबा, बेशक।
क्या कह रही हैं आप? अरे हम तो आपसे इतनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कि आपके मकबरे के लिए हमने जमीन पसंद तक कर ली है, आप ही देरी कर रही हैं खामखा। मतलब आप हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। सच है, मासा ठीक ही कहती है कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते। सासू अम्मी ने ये फरमाया है। हाँ, हम मासा को गलत साबित करेंगे और उनको दिखा कर रहेंगे कि आप हमसे सच्ची मोहब्बत करते। चलिए दीजिए, दीजिए ना। क्या दें? अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए कि आप हमसे सच्चा प्यार करते। रानी साहिबा, मोहब्बत का सबूत आप ऐसे मांग रही हैं जैसे आप चंदा मांग रही हो। रानी साहिबा, आप जाकर जितने जेवर खरीदने हैं खरीदिए, जितने कपड़े खरीदने हैं साड़ियां खरीदिए, पोशाक खरीदिए, जो खरीदना है खरीदिए, और इससे बढ़कर मोहब्बत का सबूत हम आपको क्या दे सकते हैं? हमें कोई पैसे वैसे, जेवर कपड़े, परसों तक कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल तो बस आपके दिल से मोहब्बत का जज्बाती सबूत चाहिए। रानी साहिबा, जब ये जेवर वगैरह चीजें आप खरीदेंगी और जब हमें इनका भुगतान करना होगा, उस वक्त हमारी मोहब्बत जार जार होकर खुद ब खुद जज्बाती हो ही जाएगी। देखिए, आप ये सारा मसला छोड़िए और हमें खुदा के वास्ते थोड़ा सोने दीजिए। हाँ हाँ, सो जाइए, लेकिन जहाँ बना कल रात तक अगर आपने दिल से अपनी मोहब्बत का जज्बाती सबूत नहीं दिया ना, तो हम समझेंगे आप हमसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करते, और उसके बाद मासा और हम आपसे निपटेंगे। हाँ, और एक और बात जहां बना, ये दिल का मामला है, दिमाग का नहीं। खबरदार अगर इस मामले में बिरबल की मदद ली तो। समझ गए? चलिए सो जाइए। भाई साहब, ये अभी तक जहां पर ना रियासत का दौरा करके क्यों नहीं आए? उन्हें भूख भी तो लग रही होगी, कब आएंगे वो? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। छोरी, तू घनी बावली हो गई से। इब तक दामाद साह ने थारे को अपने प्रेम के सबूत ना दिए से, मगर तू उनके इंतजार में भूखी बैठी से। महारानी दुर्गावती की बात मान ले, तू दामाद साह को एक साल का वक्त भी देवेगी ना, तो वो अपने प्रेम का सबूत ना दे पाएंगे। रानी साहिबा, जल्दी से दस्तरखान लगाइए, हमें बड़ी भूख लग रही है। दामाद साहब, थे कटे रह गए उसे, यह हमारी गुड़िया रानी भूख के मारे थारा इंतजार कर रही से। क्या रानी साहिबा, हमें इस बात का एहसास था कि आप हमारे आमद के इंतजार में भूखी होंगी, इसलिए हम भी आपको बता देंगे आपकी मोहब्बत में हमने भी कुछ नहीं खाया है। जी हाँ, एक चीज जरूर खाई है और वो है कसम। हमने कसम खाई कि भूख से चाहे हमारी मौत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक हमारी ताजे मोहब्बत कुछ नहीं खाएंगी, हम भी अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे। देखा मासा, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। क्या हो गया गुड़िया रानी? सलीम बासु भी आगे से, इन्हें भी जिमा दे। अरे नहीं नहीं रानी हुजूर, नहीं नहीं, वैसे तो शाही खून है हम, लेकिन अभी खाना खाने की सूरत से बेजार है, क्योंकि अभी जब हम अब्बा हुजूर के साथ रियासत का दौरा करने गए थे, तब हमने, वासु ने और अब्बा हुजूर ने तंजो लाल हलवाई के यहाँ फौलादी डोलो वाले समोसे, कचौड़ियां और ढेर सारी पूड़ियां नोश फरमा के आ रहे हैं। देख रहे छोरी, थारे पति की सच्ची मोहब्बत थारी याद में कहवे से कि भूखो मर रहे से, और वहां चंदू के यहाँ दावत खा के आवे है। वारे ऐसी झूठी मोहब्बत। इसका मतलब जहां पना, आप हमसे मोहब्बत नहीं करते? अरे नहीं 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 रानी साहिबा, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बस आप हमें रात तक का समय दीजिए, हम साबित कर देंगे कि आप ही हमारी शरीक हयात, नूरे चमन, सासे बदन और भी बहुत कुछ हैं। ई मैं थारी भलाई से, पर याद है ना दामाद साहब,
इमा बीरबल की मदद कोनी लेवे से। अरे इस काम के लिए हम बीरबल की मदद क्यों लेंगे? क्यों लेंगे हम बीरबल की मदद नहीं लेंगे। सलीम वासु, आज रात तक जहां पनाह पे कड़ी नजर रखना कि वो ना ही बीरबल से मिले ना किसी भी तरीके की मदद ले। मोहब्बत 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 मोहब्बत। अरे हुजूर, मैं आज आपके लिए ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसे सुनकर पढ़कर आप हमें कुछ न कुछ इनाम दे ही देंगे हुजूर, उस तरह खोल के। अच्छा, ऐसी क्या खबर लाए हुजूर? जहां पनाह ने बीरबल जी के लिए एक गुप्त पैगाम लिखा है जिसे मुझे दिया है कि मैं बीरबल को दे दूं ताकि किसी को पता ना चले। हुजूर, हुजूर, जहां पनाह और बीरबल में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है आपके पीठ पीछे, इसीलिए पैगाम लेकर सबसे पहले मैं आपके पास आ गया उस तरह खोल के। हुजूर बीरबल, हम ये खुफिया पैगाम फूलचंद के हाथों आपको भिजवा रहे हैं। हमें आज रात तक रानी साहिबा को हमारी मोहब्बत का जज्बाती सबूत देना है। आप अभी जवाब में हमें मोहब्बत का कोई जज्बाती सबूत लिख कर बताइए। इस पैगाम के बारे में रानी साहिबा या किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। इस पैगाम को पढ़कर आग के हवाले कर दीजिएगा। बहुत खूब फूलचंद, बहुत खूब, कमाल कर दिया तूने, कमाल कर दिया। कमाल है ना, हमारा इनाम तो पक्का है ना सर? पक्का। इधर ही रहो, रुक के रहो। जरा इधर खिसको। इधर देखना नहीं। आज तो अब ऐसा करो, ये पैगाम ले जाकर बीरबल जी को दे। हुजूर, तो देना तो होगा ही ना हुजूर, नहीं तो जहां अपना हमारी खाल उतरवा करके शाही कुत्तों को दे देंगे हुजूर, इस तरह खोल के। हमारा ही ना हुजूर। तुम्हारा।
इनाम। जाओ और खुश रहो। बीरबल अब मजा आएगा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बीरबल, हम ये खुफिया पैगाम फूलचंद के हाथों आपको भिजवा रहे हैं। हमें आज रात तक उर्वशी को हमारी मोहब्बत का जज्बाती सबूत देना है। आप अभी जवाब में हमें मोहब्बत का कोई जज्बाती सबूत लिखकर बताइए। इस पैगाम के बारे में रानी साहिबा या किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। इस पैगाम को पढ़कर आग के हवाले कर दीजिएगा। हे भगवान, बेटा तो बेटा, बाप रे बाप। जहां पना उर्वशी से मोहब्बत करते हैं और उसे अपनी मोहब्बत का जज्बाती सबूत देने के लिए हमसे ही मदद मांग रहे हैं। नहीं नहीं बिरबल, जहां पना को किसी भी तरह उर्वशी से मोहब्बत करने से रोकना होगा, नहीं तो हमारी मोहब्बत लुट जाएगी। जहां पना को दास बीरबल का सलाम। हुजूर, आप जिसे अपनी मोहब्बत का सबूत देना चाहते हैं, वो कनीज आपके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं। आप समुंदर तो वो गंदे पानी का नाला। आप रेशमी गालीचा और वो मकड़ी का जाला। आप फूलों का हार और वो जूतों की माला। आप उससे मोहब्बत का ख्याल छोड़ दीजिए, नहीं तो सब आप पर हंसेंगे। जापना की जय, आपने हमें याद किया। आपको वो खत। आइए मासा, आइए बहना, ये देखिए जापना बीरबल जी। जापना, हमने आपसे कहा था बीरबल से ना मिलना, फिर भी आप उनसे मिले। ये क्या है बीरबल, रानी साहिबा को मोहब्बत का जज्बाती सबूत देने के लिए हमने आपसे मदद मांगी और ये क्या किया आप? रानी साहिबा के लिए ऐसे वाहियात अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो गंदे पानी का नाला है, मकड़ी का जाला है, जूतों की माला है। ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे आप रानी साहिबा के लिए? हमने तो अरे क्या हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी बीरबल। जहां पना ने अपने दिल में जगह दी आपको, दरबार में जगह दी, और आपने हमारे बारे में ऐसा सब लिखा। हम मलिका हिंदुस्तान है। जहां पना, बीरबल जी की ये बदतमीजी माफी के काबिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है बलदेव, माफी के काबिल नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई बीरबल ये सब लिखने की? अरे हिम्मत तो होगी ना दामाद साहब, थे ने बीरबल को सर पे चढ़ा रखो से। ससु अम्मी, हम मानते हैं कि बीरबल से मदद मांगकर हमने आपकी हुक्म उदूली की है, लेकिन रानी साहिबा हमारी शरीक हयात है, हमारी जान है,
इतनी तो मोहब्बत करते हैं हम इनसे कि इनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो उसे हम कभी मुआफ नहीं करेंगे, चाहे वो खुद बीरबल ही क्यों ना हो। अरे लेकिन बीरबल, आप सजा के हकदार हैं। हम बीरबल को 2 साल के लिए सजाए कैद का फरमान जारी करते हैं। ओ, तो ये सारा षड्यंत्र बलदेव जी का रचा हुआ है। हमें तो ये भी नहीं पता कि जहांपनाह ने उर्वशी को खत नहीं लिखा इसलिए हमें खुश होना चाहिए, या फिर हमें कैद खाने में डाला जा रहा है इसलिए दुखी। अपने आप को बचा लो बीरबल। अफसोस है बीरबल हमको, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों 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 बीरबल, जानबूझकर हमने ऐसा जानबूझकर किया। क्या जापना, आप बेशक हमें कैद खाने में डाल दीजिए लेकिन हम रानी साहबा से कुछ पूछना चाहते हैं। रानी साहबा, आप चाहती थी ना कि जापना आपको अपनी सच्ची मोहब्बत का जज्बाती सबूत दे, तो क्या आपको सबूत मिल गया? कहाँ है सबूत, कहाँ मिला हमें सबूत? अरे रानी साहबा, हमें माफ कीजिए लेकिन आपके बारे में जो भी अपशब्द हमने लिखे थे वो जानबूझकर लिखे थे और नतीजा आपके सामने है। अरे जापना आपके लिए 2 अपशब्द भी नहीं सुन पाए, यहाँ आ गए गुस्से में, आग बबूला हो गए और अपने सबसे प्रिय मित्र बीरबल को 2 साल की सजा दी थी। आपके लिए इनका गुस्सा, इनकी तड़प, अब इससे बढ़कर अपने मोहब्बत का जज्बाती सबूत और क्या दे सकते हैं। हम समझ गए बीरबल, आज जहांपनाह के गुस्से में हमने वो मोहब्बत देखी, वो तड़प देखी और वो इज्जत देखी अपने लिए जो आज तक हमने नहीं देखी थी। वाह बीरबल, वाह 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 बीरबल, हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आप हमारी मदद करने के लिए ऐसा नायाब तरीका इख्तियार करेंगे। हमें आप पर नाज है बीरबल, सचमुच आप पर नाज है। अरे जापना, हमने आपकी कोई मदद नहीं की है। आपके दिल में जो रानी साहिबा के लिए मोहब्बत के शोले भड़क रहे थे, हमने तो सिर्फ उसमें हवा देने का काम किया है। अगर यकीन ना आए तो बलदेव जी से पूछ लीजिए। महाराज, क्यों बलदेव जी, है ना? रहने दीजिए भाई साहब। मासा, अब आपको यकीन हो गया ना कि जहांपनाह हमसे सच्ची मोहब्बत करते? इससे और ज्यादा जज्बाती सबूत आपको क्या चाहिए? हाँ ठीक है, मगर महारानी दुर्गावती को तब यकीन होगे जब दामाद साहब महीने में 10-20 बार अपने मोहब्बत का सबूत देंगे। महीने में 10-20 बार?